जब मन में कोई दुविधा या अशांति हो तो हजारों सालों से साधु संत महात्मा और आम लोग उस शांति को पाने के लिए हिमालय में देवी के शक्ति पीठों की यात्रा करते रहे हैं। देवी के इन्हीं 51 शक्ति पीठों की स्थापना ने पूरे भारतवर्ष को पहली बार एक सूत्र में बांधा और आज ये शक्ति पीठ आकर्षण और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महक और आज हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों के दर्शन और आशीर्वाद से अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से कांगड़ा जाने के लिए हम कार या कैब, बस, प्लेन और ट्रेन से जा सकते हैं। कांगड़ा में एयरपोर्ट ना होने की वजह से फ्लाइट गगल एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जो कांगड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी बुक करके कांगड़ा पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो कांगड़ा से 87 किलोमीटर की दूरी पर पठानकोट रेलवे स्टेशन है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से कांगड़ा पहुंचने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। इन सब में से डायरेक्ट दिल्ली से कांगड़ा पहुंचने के लिए बस का सफर सबसे सुविधाजनक और सबसे सस्ता है। हाय, हेलो दोस्तों, अभी हम कांगड़ा माता देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। कांगड़ा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। इसे ब्रिजेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमने ऑलरेडी कांगड़ा देवी माता के दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। नवरात्रों के दिनों में यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप छोटे बच्चों के साथ दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आप नवरात्रों के दिनों के अलावा किसी और दिन दर्शन कर सकते हैं। 1905 में बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण 1920 में किया गया था। जब शिव शंकर जी सती का नृत्य देखकर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई थी। तो विष्णु जी ने 51 हिस्से किए थे अपने सुदर्शन चक्र से, तो यहाँ पे सती जी का बायां वक्ष गिरा था। तो यहाँ पे आपको अंदर पिंडी देखने को मिलेगी जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। हम अभी दूसरे शक्तिपीठ चामुंडा देवी जी के दर्शन के लिए निकले हैं और ये कांगड़ा से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज्यादा मंदिर हैं और इनमें से ज्यादातर प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पार्किंग एरिया चामुंडा देवी मंदिर के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए आपको दर्शन के लिए ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। जय माता दी, अब हम दूसरे शक्तिपीठ चामुंडा देवी जी के दर्शन करने आए हैं, तो चलिए हमारे साथ अंदर दर्शन के लिए।
यह मंदिर माँ चामुंडा देवी को समर्पित है, जो भगवती काली का ही एक रूप है। कहा जाता है कि चंडमुंड नामक दो महादैत्य देवी से युद्ध करने आए तो देवी ने काली का रूप धारण कर उनका वध कर दिया। माता देवी की भ्रिकुटी से उत्पन्न कलिका देवी ने जब चंडमुंड के सिर देवी को पहाड़ स्वरूप भेंट किए तो देवी भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि तुमने चंडमुंड का वध किया है, अतः आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। मान्यता है कि इसी कारण भक्तगण देवी के इस स्वरूप को चामुंडा रूप में पूजते हैं। ये मंदिर बंकर नदी के किनारे बना हुआ है और ये मंदिर सी लेवल से 1000 फीट ऊंचाई पर है। ये लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पानी का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे बोटिंग भी होती है लेकिन आज बोटिंग बंद है। यहाँ पे लोग बंकर नदी के किनारे अब नहाते भी हैं और उसका आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, पानी की ठंडक महसूस करते हैं। मंदिर के एक तरफ पहाड़, एक तरफ नदी और एक तरफ जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी जादुई नगरी में आ गए हैं। मंदिर का जो बीच वाला हिस्सा है वो मेडिटेशन के लिए एक सुटेबल प्लेस है। हेलो, जय माता दी। दोस्तों हम अभी बगलामुखी मंदिर पहुंच गए। इट्स नॉट बगलामुखी, इट्स बागलामुखी। मैंने बंगला तो नहीं बोला, बागलामुखी। बागलामुखी, जय माता दी। हम अभी बागलामुखी मंदिर पहुंच गए हैं। मैं अपने बेटे का डायपर चेंज कर दूंगी, थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा ने मां भगवती का जाप किया, इससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। मां ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। तो हम अभी बगलामुखी देवी मंदिर में आए हैं और यहाँ पर हवन की महत्व बहुत ज्यादा मानी जाती है। हमने भी अभी हवन करा के चुके हैं। जब भी आप यहाँ आए आप प्लीज हवन कराइए। आपको यहाँ मंदिर की हर चीज पीले रंग की मिलेगी, यहाँ तक कि वस्त्र, प्रसाद, मोली, मंदिर का रंग भी पीला है। साधक को माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ये मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, अभी देख सकते हो आप, बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे अभी माता रानी का श्रृंगार हो रहा है इसलिए हम अभी दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर के पीछे काफी अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग एरिया है। गेट नंबर 1 से हम एंटर किए थे, इसे VIP पार्किंग कहते हैं। ये बिल्कुल आपको मंदिर के पास में मिलेगी पार्किंग। और यहाँ पे गेट नंबर 2 से भी पार्किंग होती है, गेट नंबर 3 से भी होती है, लेकिन गेट नंबर 1 से आपको बहुत नज़दीक पड़ेगा मंदिर और आने में आसानी होगी। तो यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। अगर आपको भूख लगी है तो पीछे एक होटल बना हुआ है, कैफे भी है जहाँ पे आपको सैंडविच, कॉफ़ी, बर्गर सब कुछ मिल जाएगा। पीछे एक होटल भी है जहाँ पे आप रूम भी बुक करवा सकते हो, रह भी सकते हो, यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि रात को अगर आप हवन करवाओगे तो उसकी मान्यता और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे नाइट स्टे कीजिए और रात में ज़रूर हवन करवाइए।